भाड़ा कम लेंगे अब? नहीं नहीं होगा अब नहीं। जो 6 रुपया कम करवाते हैं 8 रुपया बढ़ा देते हैं तो कहाँ से कम करेंगे? 2 दिन के लिए दिखा दिए मोदी जी और उसके बाद दाम से नहीं होता। हर चीज रेट घटना चाहिए, चावल से लेके गेहूँ से लेके आटा से लेके तेल से लेके सब चीज घटना चाहिए, गैस का लेकर। भाड़ा कम लेंगे अब? नहीं नहीं। भाड़ा कम नहीं लेंगे क्यों? 200 रुपए लीटर कर दीजिए, 5 रुपए घटा दीजिए, तक बहुत काबिलियत हो गया। कहाँ घटा है, गैस रोज हफ्ता में 2 रुपया बढ़ा रहा है, भाड़ा कैसे कम होगा भैया बताइए, आप ही बताइए। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पहले तो लाइव सिटीज की तरफ से हैप्पी दिवाली आप सभी को, और मैं बता दूं कि पेट्रोल के दाम जो है वो दिवाली के दिन से 6 रुपए 30 पैसे कम हो गए। तो सवाल बस इतना उठता है कि ये जो ऑटो स्टैंड आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के पास, मैं बस इनसे पूछने जा रहा हूँ कि जब पेट्रोल के दाम घटा दिए गए तो क्या ये किराए कम कर देंगे? नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50 रुपए बढ़ाते हैं 5 रुपए कम करते हैं ये लोग, ऐसे करते हैं काम। तो बहुत पैसेंजर आपको मिलेंगे कि दाम कम क्यों नहीं कर रहे हैं? कम इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोगों को पैसेंजरों भी नहीं मिलता, पैसेंजर भी कहाँ मिलता, बहुत मुश्किल से पैसेंजर बैठता, 2-4 बैठते हैं, कहते चलिए ना जल्दी चलिए ना, ऐसे करने लगते हैं पैसेंजर। तो बोले आप उन लोगों को बोल इनकार कर देंगे, कह देंगे कि भाई ऑटो वाले भैया पैसा नहीं कम करेंगे? नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं कम होगा, क्योंकि बिल्कुल 6 रुपये में क्या होगा, 6 रुपये में कुछ होता नहीं। 6 रुपये कम करिएगा और बाकी सामान महंगाई करते जाइएगा, चावल दाल गेहूँ आटा सब कुछ महंगाई करते जाइए, कैसे होगा? आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिएगा 6 रुपये कम आपने किया, ठीक है भैया, गैस का दाम बढ़ते गया, चावल का दाम बढ़ते गया, तेल का दाम बढ़ते गया, और ये सरसों तेल रिफाइन तेल ये सब बढ़ते गया, कहाँ से लाएंगे हम लोग? हम लोग आप ही से कमाएंगे? आप पैसेंजर बैठते हैं 2 रुपया कम देते हैं, कहते हैं 2 रुपया नहीं है हमको, मेरा हम लोग का थैला भरता है 2-2, 3-3 रुपया 5-5 रुपया करके भरता है थैला। आप पैसेंजर लोग तो आपको क्या लगता है कितना कम होगा तो आप लोग का किराया कम होना चाहिए? कम से कम 80-90 रुपया लीटर हो जाए तो बढ़िया रहे। CNG गाड़ी निकलते जा रहा, आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी भी निकल रहा है, हम लोग कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी निकलता है, ई रिक्शा करता है 100 रुपये की जगह पर 40 रुपये में लेके जाता हूँ लोग। चलिए, तो पेट्रोल के दाम तो घट गए, तो आप लोग का किराया भी घटेगा या नहीं घटेगा? तो हम लोग का 80 रुपये था तो वही किराया था, ये 100 रुपये है तो वो 2 रुपये हम लोग बढ़ाए हैं, हम लोग 2 रुपये ने भाड़ा बढ़ाए भैया। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहना चाहेंगे, 6 रुपए 30 पैसे घटा दिए सरकार? तो 6 रुपए 30 पैसे तो कहाँ आप लोग को कुछ बुझाया, आप कहे कि तभी बढ़ा हुआ है पेट्रोल डीजल, अभी बढ़ा हुआ है, 2 रुपए हम लोग बढ़ाए, या 60-70 के था तो कितना पेट्रोल का दाम हो भैया? हनुमान नगर से राजेंद्र नगर टर्मिनल का भाड़ा होता है 100 रुपया, पैसेंजर बोलता है 40 रुपये में ले चलो, हम लोग 40 रुपये में कैसे ले जाएंगे? 40 रुपये में तो पहिया भी नहीं ले। आप लोग का दर्द कोई नहीं समझता है? ना, कोई नहीं समझता। पैसेंजर 2-4 बैठते हैं, कहते जल्दी चलो जल्दी चलो, कहाँ से हम लोग? आप बताइए भाड़ा कम लेंगे आप? नहीं। भाड़ा कम नहीं लेंगे क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने अभी घट गया 6 रुपए 30 पैसे, तो फिर भी हम लोग के कहाँ पोसाए पड़ेगा, 6 रुपये घटने से क्या हो गया, पैसेंजर यहाँ 2 रुपये 1 रुपया कम, जो 6 रुपया कम करवाते हैं 8 रुपया बढ़ा देते हैं तो कहाँ से कम करेंगे? 2 दिन के लिए दिखा दिए मोदी जी और उसके बाद दाम से नहीं होता, हर चीज रेट घटना चाहिए, चावल से लेके गेहूँ से लेके आटा से लेके तेल से लेके सब चीज घटना चाहिए, गैस का लेकर CNG गैस का। भाड़ा कम लेंगे अब? नहीं। क्यों? काहे लेंगे, पेट्रोल का रेट 6 रुपया कम करता है या बढ़ाता है 50 रुपया, तो उतना कम करेगा तो वो अनुसार से कम नहीं ना होगा? कम नहीं होगा, मतलब आप और कम करेगा पेट्रोल तब कम करेगा? हाँ, वरना नहीं, जिस अनुसार से होगा उस अनुसार से चलेंगे, नहीं तो नहीं, कम नहीं करेंगे? नहीं। इस 6 रुपए के कम करने से खुश नहीं है? नहीं, जहाँ 75 था 80 था अभी सीधे 100+ है, तो उस 6 रुपया डाउन कर दिया तो उससे क्या होने वाला है? कम लेंगे अब क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया? नहीं, भाड़ा तो कम क्यों लेंगे, पहले तो लगातार वृद्धि होती जाती है तो पेट्रोल का दाम बढ़ते जाती है, एक बार घटा दिया गया तो कैसे भाड़ा कम हो सकती है? नहीं लेंगे। भाड़ा क्यों कम लिया जाएगा? भाड़ा कम लेंगे? नहीं। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया सर, अब भाड़ा कम कैसे लेंगे? थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम होने से क्या होगा, उससे ज्यादा तो तेल ही जल जाता। चलिए आप बताइए भाड़ा कम लेंगे? भाड़ा कम क्यों ले, कम नहीं लेंगे, सस्ता हुआ है 6 रुपए 30 पैसे। तो ये आप जाके ऑफिस में बात करिए ड्राइवर से, थोड़ी हम लोग के यूनियन ऑफिस से भाड़ा तय होता है, हम लोग तय नहीं करते हैं। आप लोग तय नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग को DM ऑफिस से आदेश मिलता है, वहाँ से भाड़ा का लिस्ट मिलता है, तभी भाड़ा बढ़ता है, पेपर पहले आउट होता है भाड़ा के लिए। अच्छा,
मतलब आप लोग अपने मन से नहीं बढ़ाते? नहीं, हम लोग अपने मन से भाड़ा नहीं लेते हैं। तो कम करेंगे भाड़ा? भाड़ा कैसे कम होगा सर, डीजल का रेट 107 रुपए था, बढ़ाता है 30 रुपए, 40 रुपए बढ़ाता है और कमता है 5 रुपए 6 रुपए। मतलब बढ़ाता ज्यादा है घटाता कम है? हाँ, घटाता कम है। लोग तो सवाल करेंगे कि आप लोग भाड़ा कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सवाल करेंगे तो हम जवाब देंगे ना सर, की क्या जवाब रहेगा? जवाब रहेगा कि 60 रुपए लीटर डीजल था, 105 रुपए हो गया, घटा है 7 रुपए, तो कैसे भाड़ा कम होगा? भाड़ा कम नहीं होगा मतलब? नहीं होगा। मतलब ऑटो वाले भैया लोग कम नहीं करेंगे भाड़ा? नहीं, अभी होगा कम। चलिए, आपका क्या कहना है, कम करेंगे भाड़ा? बोलिए। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए कुछ भी। तो कितना रुपए पेट्रोल चाहिए आपको? 50 रुपए 60 रुपए कर दे पहले जैसा, हम लोग भाड़ा घटा देंगे। तो आप भाड़ा कम लेंगे? नहीं जी। क्यों? पेट्रोल तो कम हो गया। पेट्रोल कम हो गया मगर बढ़ता है दुगना और घटता है 2 रुपया, तो कम कैसे होगा? तो लोग जो बोलेंगे कि कम लीजिए तो क्या बोलेंगे? अब बढ़ जाता है भाव अथी पेट्रोल या डीजल के, तो लोग कहते हैं कि भाड़ा बढ़ा के देते हैं 2 रुपया, नहीं ना, तो हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? चलिए, यहाँ पे भी एक मौजूद है, आप बताइए कम करेंगे भाड़ा? कैसे कम होगा भैया बताइए, आप ही बताइए। हाँ। कितना डीजल पेट्रोल रेट बढ़ा हुआ है, कम होने का संभावना है? 6 रुपए 30 पैसे पेट्रोल पे घट गया। घाटा तो हाल में घटा है, तो घटेगा तो घटेगा, भाड़ा भी घटेगा, ऐसे थोड़ी कि नहीं घटेगा, घटबे करेगा जब घटेगा तो घट जाएगा। हाँ, घटेगा कितना? तो भाड़ा कम लेंगे आप? कैसे लेंगे भाड़ा कम? 65 रुपए डीजल था, 65 रुपया से सीधा कर दिए 107 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कर दिए। कैसे रुपए घटाए तो खुश नहीं है? कैसे खुश रहेंगे जी, 7 रुपया घटा दिए, 12 रुपया मान लिया घटा दिए, आज भाड़ा रोज बढ़ाते गए, रोज 50 रुपया 40 रुपया। जब लोग बोलेगा कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, भाड़ा क्यों आप लोग ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? तो घटा देना भाई, सरसों तेल का भी रेट बढ़ा दिए, तो उसका भी सबका रेट घटावे ना, तो हम घटा देंगे सबका, सब चीज का रेट, हर चीज का रेट बढ़ गया है, हर चीज का रेट घटा दें, हम लोग घटा देंगे। गैस का पैसा कितना ले रहे हैं? कितना? 450 रुपया था, कितना ले रहे हैं अभी? 1020 रुपया 10 रुपए लेता है वेंडर वाला, कहाँ से पूरा करेगा? लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा रहेंगे नहीं, अंधा नगरी चौपट राजा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, अभी 6 रुपए कम किए तो आप खुश? 50 रुपए डीजल लाए, हम कम कर देंगे। 50 रुपए डीजल चाहिए? हाँ, 50 रुपए चाहिए। कहे 200 रुपए किलो कहे सरसों तेल बिक रहा है, कैसे सरसों तेल था बताइए ना आप लोग, कैसे सरसों तेल? घर कैसे चल रहा है आपका? कैसे चल रहा है? मर रहे और आत्महत्या करने का मन कर रहा है। चलिए आप बताइए, आत्महत्या करने का मन कर रहा है हम लोग का। चलिए, तो सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? कहेंगे कि जो सब कुछ का रेट घटा है, सब कुछ का रेट घटेगा तो घट जाएगा ऑटोमेटिक भाड़ा। 6 रुपए किस कम होने से आप खुश नहीं? 6 रुपए 65 रुपया से सीधा 100 रुपया बढ़ा दिया, ये तो पागल जैसा सवाल करना हो गया ना, कि मैंने 100 रुपया 105 रुपया कर दिया 65 रुपया से, मैंने 50 रुपया प्रतिदिन। सीमा होता है, सीमा हर चीज का सीमा होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दिवाली का तोहफा है 6 रुपए कम करना, एक चाल है अपना, कुछ कर दिए। दिवाली में बढ़ रहा है, घट कहाँ रहा है? घट गया 6 रुपए 30 पैसे। कहाँ घटा है? गैस रोज हफ्ता में 2 रुपया बढ़ा रहा है। 200 रुपया कर दीजिए, 5 रुपया घटा दीजिए, 200 रुपए लीटर कर दीजिए, 5 रुपया घटा दीजिए, तक बहुत काबिलियत हो गया, ये बहुत काबिलियत हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा भाड़ा जब भी बढ़ता है, लीटर पे 20 और 25 रुपया तेल का रेट बढ़ता है, जब भाड़ा बढ़ता है हर 1 रुपया और 2 रुपए। 65 रुपए डीजल था ना, तब भाड़ा बढ़ा था। क्या बोल रहे हैं? 65 से 85 हो गया था तब भाड़ा बढ़ा था ना जी, बढ़ा था। दो साल हो गया उसके बाद, अभी तक भाड़ा नहीं बढ़ा। जब 85 में भाड़ा घटेगा कि नहीं अगर पेट्रोल थोड़ा कम होगा तो? हाँ, घटेगा अगर तो। यहाँ 100 रुपया बढ़ा दिलस है, वहाँ 2 रुपया भाड़ा, 1 रुपया तो देवे में कोनो सकते नहीं थे, 1 रुपया हम बढ़ा के घटा के क्या करेंगे? कैसे घटेगा? कहाँ हम बढ़ाएंगे? जहाँ 100 रुपया डीजल पर बढ़ गया, कैसे हम घटाएंगे? 100 रुपये घटाएंगे? चलिए, तो 6 रुपए 30 पैसे पेट्रोल घटे, दिवाली के दिन पे घटे हैं। तो ये लोग आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये ऑटो ड्राइवर्स हैं, और इनसे साफ तौर पे मैंने जब पूछा कि क्या भाड़ा कम लेंगे, तो इनका कहना है कि जो भी पेट्रोल बढ़ाते हैं वो 40-50 रुपए बढ़ा दिए और 6 रुपए कम कर दिए, तो भाड़ा क्यों कम करें? हाँ, बात सही है, जैसे कहने का मतलब 70 रुपए में भरते हुए था, उसके बाद जो है बढ़ गया, करीब करीब 35 बढ़ गया है, अब मात्र 10 रुपए घट गया, तो उसे क्या? डीजल में आपको बता दूं कि 11 रुपए 90 पैसे कम हो गए। जी जी, लेकिन तो भी ऑटो ड्राइवर जितने भी मौजूद हैं, मैं उनके बीच में खड़ा हूँ, ये स्टेशन का नजारा है,
ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, ये सभी जो भी हमारे सामने आपको दिख रहे हैं वो सभी ऑटो चालक हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं। ये लोग गुस्सा बहुत हैं, इनका कहना है कि 40-50 रुपए बढ़ा देते हैं तो 5 रुपए कम करके फायदा क्या होता है, कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक और कम नहीं होगा, भाड़ा कम नहीं होगा। ऑटो वाले भैया जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो साफ कह दिए कि भाड़ा कम नहीं होगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।